हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाईना पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएचआई 107 को स्टडी करने वाले हैं। एमएचआई 107 के अंदर में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास सेकंड पढ़ने के लिए मिलता है, जिसके अंदर में आप 1700 से लेकर 2000 के बीच में जो भी घटनाएं घटी और उन घटनाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट रहा, किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था परिवर्तित होती है, उसके बारे में यहाँ पर आपको स्टडी करने के लिए मिलता है। इस बुक का आपका जो पार्ट वन है आपको 105 के अंदर में उसके बारे में पढ़ने के लिए मिल जाता है, जहां पर आप आरंभिक काल से लेकर सन 1700 तक के बीच में जो भी घटनाएं घटी उसके बारे में पढ़ते हो। ये जो दोनों बुक हैं आपकी 105 और 107, ये दोनों बुक एमए हिस्ट्री की जो ओल्ड सिलेबस थी जिसके अंदर में एमएचआई 05 करके बुक आती थी, वहाँ से इन दोनों को डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में बांट कर बनाया गया है। ये सेमेस्टर मोड के सिलेबस के अंदर में दोनों बुक आ जाती हैं और दोनों बुक को अगर आप चाहते हो पढ़ना तो आप डायरेक्टली ओल्ड सिलेबस की अगर बुक को कवर करोगे तो एक ही बुक में दोनों कवर हो जाएगा। ओल्ड सिलेबस की वीडियोज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं तो वो डायरेक्टली हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है, लेसन फर्स्ट, इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख सकते हैं। इस लेसन के अंदर में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी। देखो, 18वीं शताब्दी भारतीय इतिहास के अंदर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसी टाइम पीरियड से भारतीय अर्थव्यवस्था के जो टाइम पीरियड में मतलब शुरुआत थी वो गुलामी का दौर में जाती है। ठीक है, यहाँ से हम ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू गुलाम बनते हैं और यहाँ से हमारा गुलामी का दौर शुरू होता है। 200 सालों तक का एक लंबा जो टाइम पीरियड रहा वो गुलामी का रहा। इस गुलामी के दौरान में क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई, किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पर उनका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर स्टडी करने के लिए मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंड पार्ट के अंदर में, 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखो, जो सन हम 18वीं शताब्दी की जब हम बात कर रहे हैं तो 18वीं शताब्दी के अंदर में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार का था, ठीक है, पहले हमने शुरुआत करी कि किस तरीके से चीज़ें बदली, क्या चीज़ें हुई हैं 18वीं शताब्दी के अंदर में, क्या इम्पैक्ट रहा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था थी कैसी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 18वीं शताब्दी के अगर आप पहले भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर में देखोगे तो बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है। बड़ा बदलाव किस प्रकार का था कि जैसे 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से पहले मुगल सत्ता थी, मुगल सत्ता का पूरा आधिपत्य था पूरे भारत के अंदर में और अलग अलग छोटे छोटे जो राज्य थे वो उदय हो रहे थे, ठीक है, मुगल सत्ता के पतन के साथ साथ में। उसके कारण से क्या हुआ कि एक संघर्ष जैसी स्थिति आपस में देखने के लिए मिलती है, जिसका इंपैक्ट हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है, व्यापार पे भी पड़ता है, ठीक है, विदेशी व्यापारों का भी मतलब शुरुआत हो रहा था, नए नए विदेशी व्यापार कंपनियां आ रही थी तो वहां पे उसका भी शुरुआत आपको देखने के लिए मिलता है। इन सभी का बदलाव जो इंपैक्ट है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। यह दो महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलाव को चिन्हित किया गया, जिसमें सत्ता की संरचना में बदलाव बदल दिया, महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बदलाव की शुरुआत करी। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं ना तो नॉर्मली जो उनकी परिवर्तन जो भी इम्पैक्ट रहा सामाजिक और आर्थिक बदलाव के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है। पहला बदलाव अगर आप देखोगे तो सदी के पहले भाग में मुगल साम्राज्य के क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आया। जैसे मुगल सत्ता का अंत होता है तो यहाँ पर जो आपका क्षेत्रीय और राजनीतिक व्यवस्था था उसके अंदर में बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा बदलाव था राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव। अब मुगल सत्ता के अंत के साथ साथ में जैसे जैसे राजनीतिक और क्षेत्रीय सामाजिक बदलाव देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर में क्या हुआ कि जो छोटे छोटे शासक थे, छोटे छोटे जो गढ़ थे, वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, क्षेत्रीय तौर पे अपने आप को आजाद करने लगे, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है, उसकी रणनीतियों पर इंपैक्ट पड़ता है, उसकी जो व्यवस्था था उसके ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है। और इसका इंपैक्ट क्या रहता है कि उसके कारण से आपको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़े तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी में राजनीतिक प्रभुत्व को अपना रास्ता अपनाया। ठीक है, यहाँ से राजनीतिक तौर पर किस तरीके से भारत को गुलाम बनाया जा सकता है और लंबे समय तक गुलाम बनाकर कैसे रखा जा सकता है, यहाँ से बहुत जोर शोर से यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है कार्य और 200 सालों तक उसका नतीजा ये रहा कि हम गुलाम रहे। ठीक है, तो मुगल सत्ता के पतन के परिणाम स्वरूप कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, जिसमें आप बात करो तो मराठों का भी नाम आता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो गढ़ थे उनका उदय देखने के लिए मिल जाता है आपको मुगल साम्राज्य के साथ में। और यही जो छोटे छोटे राज्य थे, मुगल सत्ता का कमजोर होना यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का माना जाता है कई बार रीज़न, कि यहाँ पे शुरुआत का एक रीज़न बनकर चला जाता है। आगे हम बढ़े तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और स्थिति के बारे में हम बात करें कि किस तरह का इसका नेचर था, किस तरह की स्थिति थी। तो 18वीं शताब्दी में भारत में बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का समय था। समय क्यों था बड़ा, तो इसका रीज़न यही रहा जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, मुगल सत्ता का अंत। ठीक है, जो मुगल सत्ता का जो उत्तराधिकारी था, सही उत्तराधिकारी ना मिलना,
पावरफुल उत्तराधिकारी ना मिलना, सही डिसीजन नहीं लेना, ठीक है, और छोटे छोटे जो गढ़ थे उन पे अपना कंट्रोल खो देना, ये एक उथल पुथल का सबसे बड़ा रीजन माना गया, जिसमें राज्य तेजी से बनते और टूटते रहे। राज्य तेजी से बनते और टूटते रहने का मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्रीय राज्य थे, छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ बहुत तेजी के साथ में, और विघटन भी उसी साथ में देखा जा रहा था। विघटन किस प्रकार से कि आपस में ही मतलब लड़ रहे थे कि ये इस जगह का मैं बनूंगा। जैसे क्या हुआ कि सामंतवाद के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो सामंतवाद का इसमें एक रोल ये रहता है कि जैसे किसी क्षेत्र के ऊपर में किसी को अधिकार दिया गया कि भैया तुम इस क्षेत्र पे राज करो और जो भी टैक्स हो वसूल करके मुझे देना। मुगलों के द्वारा इस तरह का एक सिस्टम अपनाया गया था। तो जैसे ही जिस व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, भैया ये वाला व्यक्ति है जो यहाँ पे राज करेगा, जो यहाँ पे पूरा कार्यभार संभालेगा, कार्यवाहक के तौर पे वर्क करेगा, तो जैसे ही इस व्यक्ति को पता चला कि मुगल जो सत्ता है ना वो कमजोर हो रही है, तो अपने आप को यहाँ पे स्वतंत्र घोषित किया, खुद को यहाँ का राजा बना दिया। तो इस तरह से ना जो लोग थे ना आपसी संघर्ष में उलझते चले गए, जिसके कारण से राज्य तेजी से बन रहे थे और साथ ही साथ तेजी से टूटते जा रहे थे। दिल्ली और आगरा की अगर हम बात करें तो एक बड़े एग्जाम्पल के तौर पे देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें राजनीतिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ में आर्थिक पुनर्विन्यास के बारे में हमें समझ में आता है। दिल्ली और आगरा एक तरह से राजधानी के तौर पे विकसित हुए, तो इनका जो आर्थिक विकास था वो अलग लेवल पे था, अलग तरीके से था, और राजनीतिक विकेंद्रीकरण के साथ में इनका राजनीतिक विकास हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि जैसे आप पूरे भारत को देखोगे ना, तो सिमिलर चीज़ें नहीं थी, आज के समय भी सिमिलर नहीं है। दिल्ली के अंदर में जो व्यवस्था है आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, ठीक है, जॉब को लेकर, शिक्षा को लेकर, वो अगर आप बिहार या फिर मध्य प्रदेश या राजस्थान के किसी छोटे से गांव में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा चीज़ें, ठीक है। इवन वहाँ के अगर सिटी में भी जाओगे ना तो भी आपको चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेंगी कंपेरिजन टू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं कि दिल्ली और आगरा जो मुगल सत्ता का एक राजधानी के तौर पर विकसित हुआ, वहाँ पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ में आर्थिक पुनर्विन्यास के बारे में आपको समझ में आता है, देखने के लिए मिल जाता है। कुछ मामलों में अगर आप देखोगे तो बंगाल, जयपुर, हैदराबाद 18वीं शताब्दी के पहले हिस्से के निरंतर विस्तार देखा जाता है, ठीक है। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में आने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि किस तरीके से परिवर्तित हो रहा था, तो दिल्ली आगरा जैसे जो जगह थे वो पहले से मुगलों के दौरान में ही पहले से विकसित थे, आर्थिक पुनर्विन्यास का केंद्र था, राजनीतिक विकेंद्रीकरण का केंद्र था। पर कुछ मामलों के अंदर में देखा गया कि बंगाल का उदय होता है, जयपुर जैसे जगहों का उदय किया जाता है, हैदराबाद का उदय होता है, और इन सब के साथ साथ में 18वीं शताब्दी के पहले हिस्से के अंदर में उनको निरंतर विकास के तौर पर इसके ऊपर जोर दिया जाता है और ये विकास करते हैं। और आज के टाइम पर भी जिन जगहों का मैं नाम बोल रहा हूँ ना, ये जयपुर, बंगाल, इनका बहुत तेजी से विकास हुआ, इसका एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाता होगा न्यूज़ के अंदर में अक्सर। जबकि अन्य राज्य अगर आप देखोगे ना, त्रावणकोर देख लो, मैसूर देख लो, पंजाब देख लो, इन सब के अंदर में उस तरह से विकास नहीं हुआ, तेजी से विकास नहीं हुआ, ये बहुत धीरे से धीरे धीरे से विकास करते रहे, लंबे टाइम पीरियड के साथ में इनका विकास हुआ। और भारत के अंदर में अगर आप बात करोगे तो कपास, नील, तंबाकू आदि की नकदी फसलों का विस्तार हुआ, जो इस तरह की नकदी फसलें हुआ करती थी, तंबाकू की, नील की, कपास की, इसका विस्तार हुआ। नील की खेती के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नील की खेती का जो इंडिगो चैप्टर आपके 12th के इंग्लिश क्लास में थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर पढ़े टाइम निकाल कर, इवन यूट्यूब पर वीडियो भी जाके किसी का भी देख सकते हैं। इंडिगो चैप्टर है आपके 12th के इंग्लिश के बुक में, जिसमें आपको बहुत बेसिक नॉलेज मिलेगा उस टाइम पीरियड के अंदर में, पावर ऑफ गांधी जी के बारे में भी समझ में आएगा, नील की खेती क्या होती थी उसके बारे में समझ में आएगा, किस तरह से नील एग्रीमेंट एक तरह से बनाया गया था, ठीक है, किसानों के बीच में किस तरह से जो मतलब व्यवस्था थी किसानों की नील की खेती को लेकर अंग्रेजों के साथ में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपको नील के खेती के बारे में आपको पता चलेगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार ज़रूर जाकर वीडियो देखें, इससे आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, यूरोप को वस्त्र निर्यात तथा कुछ पड़ोसी देशों को तंबाकू निर्यात की बढ़ती मांग को पूरा करने की आवश्यकता। देखो भारत शुरू से ही निर्यातक देशों के तौर पे जाना जाता था, उस समय पे हमारी जो चीज़ें थी बहुत ही अलग लेवल पे थी। अलग लेवल कहने का मतलब ये है, वस्त्र निर्यात में हम प्रथम के तौर पे देखे जाते थे, ठीक है, और रेशम वस्त्र निर्यात की बात करो, तंबाकू निर्यात की बात करो, तो हमारी जो मतलब फर्टिलाइज जो भूमि थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ, उसके कारण से हम यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में इसका उपज कर पाते थे और हम निर्यात करते थे अपने पड़ोसी देशों को। स्पेशली आप बात करो तो पाकिस्तान तो हमारा भारत का हिस्सा ही था, बांग्लादेश भी हमारा भारत का हिस्सा था, म्यांमार, बांग्लादेश तो हमारे भारत का ही, कंबोडिया, इन सब जगहों पर आपका जाया करता था, अफगानिस्तान भी हमारे भारत का ही एक तरह से पार्ट था, ठीक है, तो इन सब जगहों पे भारत से निर्यात किया जाता था और यूरोप के अंदर में भी इनकी मांग बढ़ते जा रही थी, तो भारत से इनको लेके जाया जाता था। पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी गुलाम बनती है तो उसने भारत की जो अर्थव्यवस्था की थी कमर उसने पूरी तरह से तोड़ दी। उसका रीज़न क्या था
कि भारत से जो कच्चा माल जो व्यापारिक व्यवस्था थी उसको उसने खत्म किया, खुद उसने व्यापार के अंदर में एंटर किया, भारत की जो चीजें थी अपने कंट्रोल में करी और अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करना शुरू किया, जिसके कारण से भारत की जो आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक व्यापार की जो व्यवस्था थी वो तरह से एक तरह से कमर उनकी टूट जाती है, वहां पे वो एंड होता है। ठीक है, भारत 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अगर आप देखोगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित व्यवस्था के तौर पे जानी गई। ग्राम आधारित व्यवस्था क्या होता है, जिसमें एक गांव की व्यवस्था, जो आम व्यवस्था होती है ना गांव की व्यवस्था, गांधी जी की अगर आप बुक पढ़ोगे ना, उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे या उनके बारे में पढ़ोगे, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, तो वो ये भी कहते हैं कि विश्व, वो एक कल्पना करते हैं कि विश्व होना कैसा चाहिए, तो वो विश्व को ग्राम आधारित, ठीक है, ग्राम आधारित व्यवस्था के तौर पे देखते हैं। गांव के अंदर में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति दूसरे को जानता है, ठीक है, जो उनकी व्यवस्था होती है खुद पर निर्भर होती है, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होती, स्वावलंबी तौर पे हम उसे कहते हैं, स्वशासी स्वावलंबी के तौर पे हम जानते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था की उनकी कल्पना रहती है गांधी जी की, वही यहाँ पे हमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर में अगर भारत की ग्रामीण व्यवस्था देखोगे तो ग्राम आधारित व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर में जो लोग हुआ करते थे उनकी व्यवस्था हुआ करती थी, स्वावलंबी और स्वशासी हुआ करते थे, किसी पे दूसरे पे निर्भर नहीं थे, खुद अपने कार्य कर रहे थे, खुद अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे, तो स्वावलंबी और स्वशासी के तौर पे जाने गए। अपनी जरूरतों के मुताबिक ज़्यादातर चीज़ें खुद बनाते थे, गांव को, गांव का जो संबंध था सिर्फ राज्य को कर देने से होता था, ठीक है, गांव को सिर्फ कर टैक्स देना इतना पता था, उसके अलावा उनको किसी और चीज़ से मतलब नहीं रहता था। ग्रामीण समाज का कामकाज धीमी रफ्तार से चलता रहता था, ठीक है, उस तरह से नहीं कि शहर की तरफ बड़ा भाग दौड़ है, उस तरीके से नहीं, धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता था। इस दौरान में समाज में सामंतों का दबदबा था, सामंत व्यवस्था किस तरह से चीज़ें थी तो उसका वहाँ पे दबदबा देखने के लिए मिल जाता है। उनके पास जीवन के सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, जितनी जरूरतें उसके हिसाब से सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। यहाँ पे मैं आप सभी व्यूवर से क्वेश्चन ऑफ द वीडियो रेज करूँगा, सामंत होता क्या है, ठीक है, भारतीय संदर्भ में सामंत है क्या, आप कमेंट करके बताइए, देखते कितने स्टूडेंट्स को पता है। और ये जो टॉपिक है ना सामंत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर किसी बुक के अंदर में आपको टॉपिक दिख रहा है ना सामंत, तो सबसे पहले उस टॉपिक को स्टडी कर लो, क्योंकि क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आएगा ही आएगा सामंत से, ठीक है। और ये जो टॉपिक है बहुत कंफ्यूज करता है, यूरोप के संदर्भ में सामंत का डेफिनेशन हल्का चेंज हो जाता है, भारतीय संदर्भ में चेंज हो जाता है, तो आपको भारतीय संदर्भ में सामंत होता क्या है वो बताना है, देखते कितने स्टूडेंट को आइडिया है। और ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, आपको 9वीं से कई बार आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है, 9th क्लास से ही आपको पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है, तो देखते कितने स्टूडेंट को पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर में कृषि की स्थिति। अब देखो अर्थव्यवस्था की जब आप बात कर रहे हो ना, तो कृषि का इम्पैक्ट क्या था, किस तरह से कृषि का रोल रहा, वो भी आपको जानना जरूरी है। किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब देखने के लिए मिलती है, बढ़ते करों के मांग के कारण से ये स्थिति उनकी खराब होती है। जमींदार जो अधिकारियों के अत्याचार हुआ करते थे, जो अधिकारी नियुक्त किए थे उनके अत्याचार होते थे, उनके कारण से उनकी स्थिति खराब होती है। जमींदारों और जमीन के ठेकेदारों के कारण से आर्थिक शोषण जो उनका किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से कर दिया जाता था, कर का किस तरह से वापस से वसूली की जाती थी, किस तरह से बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था, ठीक है, करों का जो टैक्स होता था, जो मतलब उसमें ब्याज लगने वाला दर होता था, किस तरीके से किया जाता था, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किसानों की स्थिति किस प्रकार से रही होगी। और जो इंडिगो चैप्टर मैंने सजेस्ट किया ना, वहाँ पर आपको ये भी समझ में आएगा कि आर्थिक शोषण होता क्या है किसानों का, किस तरीके से होता है, एक मतलब इमेज आपके माइंड में बनती चली जाएगी, जिससे आप इजिली इन चीज़ों को समझ पाओगे और इजिली आंसर लिख पाओगे। कृषि उत्पादन में गिरावट आई और कृषि मूल्यों के अंदर में उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखो अब नॉर्मल से आज के सिचुएशन से देखकर चलो, तो इलेक्शन होता है या फिर किसी राज्य के अंदर में गवर्नमेंट बनती है या गवर्नमेंट बिगड़ती है, ठीक है, किसी की राज्य की सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है या खराब होती है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी पर पड़ता है, किस तरीके से शेयर मार्केट उसके हिसाब से गिरती है, ठीक है, स्टॉक्स जो होते हैं उसके हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं, तो ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ें उस टाइम पर आपको देखने के लिए मिलती थी, ऐसा नहीं कि आज आपके विकसित अर्थव्यवस्था तो इसलिए शेयर मार्केट इंपैक्ट करता है, उस समय पे भी चीजें वही होती थी, ठीक है, किसी तरह से शेयर का मूल्य आज ऊपर नीचे होता ना, उसी तरीके से उस समय पे भी होता था। अगर मुगल साम्राज्य पूरे भारत के अंदर में था तो एक स्थिर शासक के तौर पे जाना गया, जहां पे एक शासक है पूरे राज्य को कंट्रोल कर रहा है, पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, पर जैसे ही मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ, ठीक है, धीरे धीरे करके छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय शुरू हुआ, तो वहां पे कृषि उत्पादन जैसी व्यवस्थाओं के ऊपर में इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, कृषि जो उत्पादन होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण से मूल्यों के अंदर में जो कृषि के मूल्य थे उसके अंदर में उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
अंतर्राज्यीय युद्ध के परिणाम स्वरूप, और ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत के अंदर में युद्ध हो रहे थे, बाहरी देशों के अंदर में भी युद्ध हो रहे थे, यूरोप के अंदर में भी युद्ध जैसे हालात थे, जिसका भारत के ऊपर में इम्पैक्ट ये पड़ रहा था कि भारत का आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था। धन की निकासी भारत के अंदर में जोरों शोरों से शुरू की गई थी। धन की निकासी मतलब क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गाड़ियों में मतलब जहाजों में भर भर के धन अपने देश में लेके जा रहे थे, जो भी संसाधन थे हमारे वो लूट के लेके जा रहे थे। तो धन की निकासी के कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था वहाँ पे कंगाल होती हुई जा रही थी, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण से मूल्यों के अंदर में उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलता है। और भारत के अंदर में भी जो अंतर राज्य आपस में जो राज्य थे एक दूसरे से युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही थी, उसके कारण से भी आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। जैसा कि पंजाब और उत्तर भारत के हिस्से में आप देख के चलोगे तो वहाँ पे किस तरह से युद्ध जैसी स्थिति रही, ठीक है, ये आपको समझ में आता है। मूल्य वृद्धि से किसानों को लाभ होता हुआ दिखता है, लेकिन सभी कृषक समान रूप से लाभ नहीं मिल पाता है। राज्य कृषि वस्तु उत्पादन प्रणाली से वसूल कर वसूलते थे, जो राज्य हुआ करते थे, जो उनकी व्यवस्था हुआ करती थी, वो कृषि के ऊपर में लगाने वाले कर से, उत्पादन के ऊपर में लगाने वाले कर से अपना मुनाफा वसूलते थे, कि किस तरह से क्या टैक्स आ रहा है वो उनके उत्पादन के ऊपर में निर्भर करता था। 1770 का महान बंगाल अकाल देखने के लिए मिल जाता है। बंगाल के अंदर में 1770 में अकाल पड़ता है, जिसका अनुमान ये होता है कि एक तिहाई जो जनता थी वो मारी गई। बंगाल की जो पॉपुलेशन थी उस समय, बंगाल बहुत बड़ा राज्य था, आज के समय के हिसाब से देखोगे चलोगे ना तो बंगाल उस समय का पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो आपका बांग्लादेश है वो भी इसके अंदर में ऐड हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश आपका ऐड हो गया, आपका बिहार ऐड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका झारखंड ऐड हो गया। तो इस तरीके से पूरा बड़ा सा क्षेत्र था ना, जो वो पूरा बंगाल के तौर पे जाना जाता था, ठीक है, 18वीं शताब्दी की जब मैं बात करूँ तो इतना बड़ा, जिसमें आपका बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, आपका जो पश्चिम बंगाल है वो आ गया, आपका बिहार आ गया, बिहार में से टूटकर झारखंड गया तो झारखंड भी आ गया। तो इतना बड़ा क्षेत्र आपके पूरे बंगाल के तौर पर जाना जाता था, ठीक है। तो बंगाल के अंदर में 1770 के अंदर में एक अकाल आता है, ठीक है, अकाल इतना बड़ा था कि उनकी एक तिहाई जनता थी, जो जनसंख्या थी वो खत्म हो गई थी, मर गई थी, ठीक है। अकाल किस प्रकार का था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा में करों के अंदर में 10 से 50% की वृद्धि की जाती है, जो टैक्स वसूला जाता था ना उसके अंदर में 10 से लेकर 50% की वृद्धि कर दी गई। अंग्रेजों की जो सख्त नीति थी उसके कारण से खाद्य जो फसल थे, ठीक है, जो पैदावार थी, नकदी फसल थे, उसके अंदर में बदलाव हुआ, ठीक है। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कि भैया ये वाली फसल की मुझे जरूरत है, इसकी पैदावार करो, नील की खेती की जरूरत है, इसकी पैदावार करो, ठीक है, उसके कारण से यहाँ पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ जो मानसून, क्योंकि जो निर्भरता है ना हमारे किसानों की, वो मानसून पर बहुत बड़ी मतलब रहती है, आस रहती है कि अगर बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई तो अच्छी फसल होगी, ज़्यादा अच्छी बारिश हो गई तो फसल खराब हो गई, तो एक रीज़न रहता है। तो मानसून की अनुपस्थिति के कारण से भी यहाँ पे अकाल देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक तिहाई जनता जो होती है, जनसंख्या होती है, वो मारी जाती है, ठीक है, मर जाती है। इसके बाद 1783 में उत्तर भारत में एक विनाशकारी अकाल और पड़ता है, जो उसका इम्पैक्ट भी भारतीय जनसंख्या के ऊपर में आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्थिति रही किसानों की, किस तरह से क्या इम्पैक्ट रहता है वो हमने यहाँ पर स्टडी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड आता है आपका व्यापार की स्थिति के बारे में। देखो अभी जो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो डाली थी ना, MHI 0107 की फर्स्ट लेसन की फर्स्ट पार्ट की वीडियो, तो कुछ कमेंट्स आ रखे थे कि सर आप एग्ज़ाम वाले टाइम पे वीडियो नहीं बनाए, अब बना रहे हो, एग्ज़ाम खत्म हो गया, अब क्या बेनिफिट है। देखो बेनिफिट तो कुछ नहीं है, नॉर्मली आगे आने वाले बच्चों के लिए ही बेनिफिट है, जो आगे आएंगे उनके लिए बेनिफिट है। आप नीचे अगर आप देखोगे हमारे वीडियो के, तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा नीड टू डोनेट के बारे में, हमें ज़रूरत है, ठीक है। और कई सारी वीडियो में हमने रिक्वेस्ट आपसे करी है कि वी आर फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसके कारण से हम वीडियोज़ हम बना नहीं पा रहे थे, और भी कई रीजंस हैं, ठीक है। तो हमने आपको अपने आप को स्थिर करने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप को अच्छी तरीके से वीडियोस लेकर आने के लिए, अच्छे कंटेंट के साथ में आने के लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। पीछे कई बार कई सारी वीडियोज़ में बोला है, तो एक मेन रीज़न है जिसके कारण से हम वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो रेगुलर आए तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है, अच्छे कंटेंट के साथ में, अच्छी वीडियो के साथ में, अच्छे टाइम से आपके लिए वीडियो हम बना पाएँ। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास है, जितना आप सपोर्ट करना चाहें आप उसके हिसाब से हमारे डोनेट कर सकते हैं। चलिए अपने वापस टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं व्यापार की स्थिति। अब देखो हमने समझ लिया कि उस समय आर्थिक स्थिति क्या रही, कृषि जो किसानी व्यवस्था थी, किसानों की स्थिति क्या रही, ये भी हमने समझ लिया। अब जो व्यापारी लोग थे, जो व्यापार मार्केट की स्थिति क्या थी उसको हम समझते हैं। सूरत, मछलीपट्टनम और ढाका जैसे जो पुराने वाणिज्यिक केंद्र थे, ठीक है, कमर्शियल केंद्र थे, जहाँ पे व्यापार
पूरा चलता था। ये जो ऐसे जगह थे ना, सूरत, मछलीपट्टनम, ढाका, जहाँ से समुद्री व्यापार को लीड किया जाता था भारत के अंदर, वो पुराने वाणिज्यिक केंद्रों के तौर पे जाने गए, ठीक है। इनका एक तरह से पतन होता चला गया। इसके बाद नए वाणिज्यिक केंद्रों का उदय होता है, जिसके अंदर में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता जैसे जो बड़े बड़े बंदरगाह थे उनका उदय हुआ, और ये प्रमुख शहर के अंदर में जाने गए, और आज के समय में भी ये प्रमुख शहरों के अंदर में आते हैं। भारत, तिब्बत, सिंगापुर, इंडोनेशिया, द्वीप समूह, अफ्रीका और यूरोप से विलासिता की वस्तुएं आयात करता था, ठीक है। इन सब जगहों पे ना आयात किया जाता था भारत के द्वारा विलासिता की वस्तुएं, अलग अलग तरह की जो लग्जरी आइटम्स होती है ना, ठीक है, अय्याशी के जो वस्तु होती है, विलासिता की लग्जरी आइटम्स होती हैं, उसको यहाँ पे आयात की जाती थी। साथ ही फारसी खाड़ी क्षेत्रों से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर और सूखे मेवे भारत के अंदर में आयात किया जाता था। अरब से आता था आपका कॉफ़ी, सोना, दवाई, शहद भी आयात किया जाता था अरब के देशों से। इसके अलावा आप देखोगे तो चीन से चाय और चीनी मिट्टी के रेशम के आयात किया जाता था, चीन से ये सब चीज़ें आई जाती थी, भेजी जाती थी। कच्चे रेशम, रेशमी कपड़े, नील चीनी, काली मिर्च और अन्य वस्तुओं का निर्यात भारत से किया जाता था दूसरे जगहों पे। भारत के सूती वस्त्रों का जो प्रसार था वो तो पूरी दुनिया के अंदर में प्रसिद्ध थे, भारत के जो सूती वस्त्र थे दुनिया भर के अंदर में जाते थे, वहां से हम उसको निर्यात आयात करते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आया जाता भेजा जाता था। तो इस तरीके से पूरी आप व्यापारिक स्थिति समझे, पूरी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी 18वीं शताब्दी की, उसको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है, और सेम तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे एग्जाम के अंदर में तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और जो ये स्लाइड की कॉपी है, डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट लेकर भी चला सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे गूगल ब्लॉगर का लिंक है, आप डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर पे भी जाकर स्टडी कर सकते हो, वहाँ पे ये सारी आपको जो लिखा हुआ है आपका स्लाइड का वो मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल में आप स्टडी कर सकते हो। वीडियोज़ को आप डिटेल में देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक या कोई लाइन जो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, इवन हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा आपके एज सुन एज आपके कमेंट का आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ, जिससे आपका डाउट सॉल्व हो सके। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।